हेलो एवरीवन, आज है 15 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप को लेकर दो तीन बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है और इस खबरों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी भी है, क्योंकि यही वो खबरें हैं जो आने वाले दौर में अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के शेयर में जो उतार चढ़ाव है वो डिसाइड करेंगे। वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी एंटरप्राइज अगर आप देखो तो आज एक बड़ी रफ्तार हमने देखी मॉर्निंग में, 1,807 रुपये तक गया था, तकरीबन 3.5% की तेज़ी थी, लेकिन अब वापस करेक्शन दिखा रहा है, वापस नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है। अभी भी 1.5% की तेज़ी ज़रूर है, लेकिन दिन खत्म होते होते ये तेज़ी बरकरार रहेगी भी कि नहीं वो देखना होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें पोर्ट को लेकर, तो पोर्ट में 1 से 1.5% की तेज़ी है ज़रूर, ये भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर भी करेक्शन अभी देखने को मिल रहा है। पावर 5% की लोअर सर्किट दिखा चुका है। विल्मर 1% का ही ग्रोथ है, हालांकि सुबह में तेजी जरूर आई थी, यहां पर फिर टूट रहा है। गैस की बात करें, सॉरी ग्रीन की बात करें, तो यहां पर 3% की अभी भी रफ्तार है। गैस की बात करें तो 5% की गिरावट देखने को मिली है। ट्रांसमिशन की बात करें तो 5% की गिरावट है। और अंबुजा, अंबुजा सीमेंट 350 पर आ चुका है। और देखो, अंबुजा में भी तेजी की थोड़ी बहुत कोशिश करी थी, लेकिन बाद में एक झटके में टूट रहा है। अंबुजा की गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है वो एक रिपोर्ट्स आई थी, वही है कि भैया अंबुजा और एसीसी को एक्चुअली में गौतम अदानी ओन नहीं करते हैं, अदानी ग्रुप ओन नहीं करता, बल्कि उनके जो भाई विनोद अदानी है वो ओन करते हैं, अदानी ग्रुप नहीं। और ये अगेन मैं कह दूँ, ये रिपोर्ट्स हैं, कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन इसका खंडन अभी भी अदानी ग्रुप की तरफ से नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जल्द से जल्द अदानी ग्रुप को इसके बारे में भी आंसर देने अगर दे दे कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम ही ओन करते हैं, तो वापस ये मूव कर जाएगा। लेकिन जब तक नहीं देंगे तब तक कहीं ना कहीं भैया लोगों को अदानी, गौतम अदानी पे भरोसा है, ना कि अदानी ग्रुप पे भरोसा कर सकते लोग, ना कि विनोद अदानी के ऊपर। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ज़रूर है कि भैया एकदम से कैसे ये नाम यहाँ पर आ गया। ठीक है, दूसरी बड़ी अपडेट अगर हम देखने की कोशिश करें तो भैया एक फर्म है, और अगर आप देखो तो इलोरा का ये फर्म है, बहुत बड़ा फर्म है। अब यहाँ पर जो चीज़ें, और अगेन ये मैं ये नहीं कह मैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कह रही है, ठीक है, कि इनके जो तार है वो कहीं ना कहीं जुड़ जुड़ कर अदानी के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इलोरा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड की अगर हम बात करें, अब वेंचर कैपिटल फंड है जो मैनेज बाय इलोरा कैपिटल है, इज वन ऑफ द टॉप 4 एंटिटी रजिस्टर्ड इन मॉरिशस दैट होल्ड शेयर। अगर आप देखो तो उनकी अदानी में बहुत बड़ी होल्डिंग है। अब यहाँ पर हम बात भी कर रहे हैं कि भैया एक ही एड्रेस पर जो सारी कंपनियां थी, इनमें से एक ये भी है जिसने 9,000 करोड़ रुपए अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट किए हैं, जो अपने पोर्टफोलियो का 96% है। 96% मतलब आपके पास 100 रुपये हो, उसमें से 96 रुपीज़ आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी के या फिर एक ही ग्रुप में लगा दिए हो। तो ये है वो इलोरा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, और ये रिपोर्ट्स है इंडियन एक्सप्रेस की। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इलोरा इज नॉट जस्ट अनदर इन्वेस्टर, वो कोई आम इन्वेस्टर नहीं है। रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेटेड बाई इंडियन एक्सप्रेस शोड दैट अलॉन्ग विथ अदानी ग्रुप इट्स अ प्रमोटर एंटिटी इन अ डिफेंस कंपनी। ये बड़ी बात है ये। और इवन अगर आप देखो तो बेंगलोर बेस्ड अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर पूरा चार्ट के थ्रू ये समझाया गया है इंडियन एक्सप्रेस में कि कैसे अदानी ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे अदानी डिफेंस हो गया, ठीक है, अदानी डिफेंस का गया यहाँ पर अदानी अल्फा डिजाइन, और ये है इलोरा, और यहाँ से जोड़ जोड़ कर ये पूरा कनेक्ट होता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि भैया अगर ऐसा कुछ होता है या फिर कहीं ना कहीं जो शेल कंपनीज की बात हो रही है, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी बहुत परेशान कर रही है अदानी ग्रुप को, या फिर कर सकती है। एक और बड़ी अपडेट्स है जो मैं कब से बोल रहा हूँ कि देखो अभी अदानी में जो हो रहा है ना वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, ठीक है, यहाँ पर जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं अदानी में, जो लोग खरीदारी कर रहे हैं वो क्विक प्रॉफिट की आस में खरीदारी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के निवेश करने वाले बहुत कम लोग हैं अभी हाल फिलहाल में। अगर आप देखो तो अदानी में हमने देखा कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी गिरावट है, जैसे कि अदानी एंटरप्राइज का ही अगर मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाऊं तो एक झटके में गिरा था, और इवन जिस दिन 1500 रुपये था उस दिन एक्चुअली 1100 रुपये पर भी गया था, वहां से अगर आप देखो 2165 पर गया, एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, वापस गिरना शुरू हुआ, वापस तेजी आई, वापस अभी गिरना शुरू हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रेडर्स जो है वो क्विक प्रॉफिट ले रहे हैं यहाँ पर।
देखो द सस्पिशियस दैट द स्पेकुलेशन आर ट्रेडिंग हैविली इन अदानी स्टॉक्स वॉज ट्रिगर्ड बाय द फैक्ट दैट द स्मॉलर परसेंटेज ऑफ ट्रेडर्स आर टेकिंग डिलीवरी ऑफ द स्टॉक्स दे आर बाइंग। ठीक है, कुछ स्मॉलर ट्रेडर्स होते हैं वो कुछ परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लेते हैं स्टॉक्स में, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग दम, स्टॉक्स को लंबे समय के होल्ड करने के बदले दे आर रीसेलिंग दम क्विकली। अदानी में अभी यही हो रहा था, ठीक है, कि लंबे समय तक वो होल्ड नहीं करते हैं, वो फॉरन क्विकली उसको बेच देते हैं। इन अ पीरियड बिटवीन जनवरी 2 टू जनवरी 2023 अबाउट 20% ऑफ पीपल हु बॉट अदानी एंटरप्राइज स्टॉक्स वेर टेकिंग डिलीवरी। ठीक है, दे फेल टू 17% बिटवीन 24 फरवरी टू 10 मार्च। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर कि लोग क्विक डिलीवरी ले रहे हैं ताकि बेच बेच के निकलो, बेच बेच के निकलो, मतलब थोड़ा बहुत खरीदो बेचो, खरीदो बेचो। तो ये अभी चल रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि जो भरोसा है वो थोड़ा सा कम। हालांकि अदानी कोशिश कर रहे हैं, गौतम अदानी कोशिश कर रहे हैं रोड शो वगैरह कर करके कि पैसा जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ प्री पेमेंट्स भी करें, जो कि बहुत बड़ी बात है कि भैया बहुत बड़ा पैसा इन्होंने प्री पेमेंट के तौर पर किया है। लेकिन एक और बड़ी खबर आई है, वो है म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई। फरवरी महीने का डेटा आया है म्यूचुअल फंड्स का अदानी ग्रुप में, और ये बहुत बड़ा डेटा है क्योंकि पता चला कि भैया म्यूचुअल फंड्स ने प्रॉफिट लिया है। भले ही LIC ना बेच रहा हो, भले ही SBI ना बेच रहा हो, लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स है वो बेच रहे हैं। अब देखिए, अ रिपोर्ट बाय ICICI से डायरेक्ट शोज दैट द म्यूचुअल फंड होल्डिंग इन अदानी फेल बाय 28% मंथ ऑन मंथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। द वैल्यू ऑफ होल्डिंग मीनवाइल वाज डाउन ओवर 30% इन द केस ऑफ अंबुजा सीमेंट एंड अदानी एंटरप्राइज। द नंबर ऑफ शेयर बाय म्यूचुअल फंड वॉज डाउन 19% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर अगर देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली करी हुई है, बड़ी बिकवाली म्यूचुअल फंड्स ने करी हुई है। अगर हम बात करें तो क्वांट म्यूचुअल फंड विच होल्ड द हाइएस्ट नॉन हेज एक्टिव एक्सपोजर इन अदानी स्टॉक्स एट द एंड ऑफ जनवरी ऑफलोड द हाइएस्ट नंबर ऑफ अदानी पोर्ट शेयर अमोंग द म्यूचुअल फंड लास्ट मंथ इज 8.2 मिलियन। तो ये बड़ी बात है कि भैया म्यूचुअल फंड जो है वो जैसे ही देखा कि भैया अदानी के शेयर गिरना शुरू हुए हैं, उन्होंने ऑफलोड करना स्टार्ट कर दिया था। अकॉर्डिंग टू द फरवरी एंड फैक्ट शीट इट सोल्ड ऑफ इट्स कंप्लीट होल्डिंग इन अदानी ग्रुप कंपनीज लास्ट मंथ। मतलब क्वांट म्यूचुअल फंड ने भैया अपनी सारी होल्डिंग बेच दी अदानी ग्रुप में, 8.2 मिलियन। भैया बहुत बड़ा नंबर होता है ये। और यहां पर अगर आप देखोगे तो द रिपोर्ट शोड दैट कोटक म्यूचुअल फंड SBI म्यूचुअल फंड हैज हेज ऑलमोस्ट 90% ऑफ द अदानी ग्रुप होल्डिंग अराउंड 200 करोड़ ईच। कौन म्यूचुअल फंड हैज हाईएस्ट नॉन, अगर आप देखो तो हाईएस्ट था इनका और 1275 करोड़ के आसपास का था इनका एंड ऑफ दिसंबर, लेकिन अभी वो बेच चुके हैं। सेम चीज अगर आप देखोगे तो डेटा शोन बाय ICICI डायरेक्ट की अगर आप देखो तो SBI म्यूचुअल फंड कोटक म्यूचुअल फंड वेर द अदर मेजर सेलर्स ऑफ अदानी पोर्ट देर होल्डिंग रिड्यूस बाय अराउंड 3.8 मिलियन शेयर्स ईच। मतलब दोनों ने 3.8 मिलियन शेयर्स बेचे हैं अदानी पोर्ट में, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हालांकि आप देखो तो लार्ज कैप स्टॉक्स दैट वर बोट, मतलब जो खरीदारी करी गई यहाँ पर फरवरी में, इंक्लूडिंग द इंटर ग्लोबल एविएशन गेल में, माइक्रोटेक डेवलपर में, टाटा मोटर्स में, तो यहाँ पर बाइंग करी गई है जबकि यहाँ पर बिकवाली करी गई है अदानी ग्रुप में, और ये बड़ा नंबर्स है। यहाँ पर अगर हम बात करें अदानी एंटरप्राइज को लेकर तो भले ही अदानी एंटरप्राइज आज संभलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आप देखो तो लगातार ये गिर रहा है। शुरू में दौड़ा क्योंकि मार्केट अच्छे मूड में था, आज मार्केट में जब जैसे ही बाजार खुला था मार्केट में अच्छी रफ्तार थी, लेकिन धीरे धीरे मार्केट धीरे धीरे कम हो रहा है, तो यहाँ पर और बड़ा प्रेशर जो है वो माउंट होता नजर आ रहा है। देखो मैंने पहले भी कहा था अदानी एंटरप्राइज को लेकर कि मैं नहीं खरीदूंगा इसको, अभी मैं इंतजार करूंगा 1200 रुपये की रेंज का। काफी लोग बोलेंगे कभी नहीं आएगा, भूल जाओ, ठीक है ना, लेकिन अगर रिस्क लेना है तो वहां पे लो जहां पर रिवॉर्ड ज्यादा हो। तो अदानी एंटरप्राइज में 1200 के लेवल का वेट करूंगा। अदानी पोर्ट मैंने पहले भी बोला था कि अदानी पोर्ट अब गिरेगा जब ये 700 रुपये पर था। रीजन सिंपल था, जब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी जब ये 450 रुपये के आसपास था, मैंने कहा था खरीदो इसको, 450 के नीचे जाए खरीद डालो इसको, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जब ये 700 पे आ गया, रिकवर हो गया, जहां से गिरा था वहीं पहुंच गया, तो जाहिर सी बात है प्रेशर माउंट होगा और ये गिरेगा, और वो देखने को मिल भी रहा है। अदानी पावर मैंने पहले भी कहा था मैं नहीं खरीदूंगा इसको, 100 से 110 का रेंज अगर आएगा तो ही मैं हाथ डालूंगा, वरना नहीं डालूंगा। विल्मर पसंद है मुझे डेफिनेटली, मेरी अभी भी रिकमेंडेशन है कि 350 से 400 रुपए के बीच में अगर विल्मर का शेयर मिलता है तो हल्का सा निवेश किया जा सकता है। उसके बाद हर 50 रुपए की गिरावट में चाहो तो एवरेज करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए।
अदानी गैस बिल्कुल भी नहीं, ग्रीन में भी नहीं, ट्रांसमिशन में भी नहीं। अंबुजा, अंबुजा में मैं सोच रहा था कि अगर 320 300 से 320 रुपए के आसपास जाएगा, डेफिनेटली मौके बन सकते हैं। लेकिन एक क्लियरिटी यहां पर जरूरी है अदानी ग्रुप की तरफ से कि अंबुजा सीमेंट को और एसीसी को अदानी ग्रुप ओन करता है, ना कि विनोद अदानी। अगर वो क्लियरिटी मिल जाती है तो डेफिनेटली 300 से 320 रुपए का लेवल बाइंग के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है, बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर वो क्लियरिटी नहीं मिलती है तो थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर। तो बाकी मर्जी आपकी है, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अदानी ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।